आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो, मैं एक बिहारी बोल रहा हूँ, क्या मुझे रोजगार मिलेगा? मैंने सुना है बिहार में चुनाव है और चुनाव के वक्त बिहार में बहुत सारे फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ लगने लगती हैं, पर क्या इन फैक्ट्रियों और कंपनियों में रोजगार की व्यवस्था भी होगी या मुझे भी दिल्ली, मुंबई या गुजरात ही जाना पड़ेगा? वैसे लाखों बिहारी तो प्रवासी हैं ही, एक मेरे चले जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे परिवार को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान हूँ। परदेश में जाकर पैसे कमाऊँ या गांव में रहकर बूढ़े माँ बाप की देखभाल करूँ? दोस्तों, यही मजबूरी लगभग सभी बिहारियों की है, जो रहना तो अपने घर में चाहते हैं पर पैसे और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जहां जाकर इतना ही कमा पाते हैं कि घर का खर्च भेजने और खुद परदेश में रहने में ही ख़त्म हो जाता है। बचत के नाम पर एक ढेला भी नहीं बच पाता और पूरी उम्र ऐसे ही गुजर जाती है। अगर अपने गांव में रहकर कमाते तो कम से कम परदेश में रहने का खर्च तो बच पाता और वो पैसे सेव भी हो पाते, पर अपने गांव में कमाते कैसे? हमारे गांव में साधन ही क्या है? हम बिहार पर गर्व करते हैं क्योंकि हम बिहारी हैं, पर रोजगार के लिए किस पर गर्व करें? क्यों हम बिहारियों की किस्मत बंजारों के जैसी हो गई है, जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है? आखिर बिहार में कब तक नौकरियों का अभाव रहेगा? कब तक बिहारियों के लिए रोजगार उनका अधिकार नहीं, उनकी मजबूरी रहेगी? कब तक, आखिर कब तक? वक्त बदल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बिहारी समृद्ध हो रहे हैं, पर फिर भी बिहार रोजगार के मामले में फिसड्डी ही है। इतिहास पर कितना इतराएंगे? भूखे पेट को खाना और बिहारियों को सम्मान के साथ कब तक समझौता करना पड़ेगा? क्योंकि परदेशों में अपमान मिलता है, सम्मान नहीं। बिहार में रोजगार के अवसर कौन लाएगा? जाहिर है लोग ऐसे सवाल तो करेंगे, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर गया रोजगार के इंतजार में। आखिर बिहारियों के अच्छे दिन कब आएंगे? आखिर क्यों कोई बिहारियों के लिए नहीं सोच रहा है, जबकि ये बात सबको पता है कि बिहारी पढ़ने में कितने इंटेलिजेंट होते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो आज यूपीएससी में बिहारी सबसे ऊपर नहीं होते। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसे रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।